मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आप पढ़ रहे थे पार्ट फोर में। हमने पार्ट फोर के दो पार्ट पढ़ाए, जिसमें कि एक में थ्योरी पढ़ाई और एक वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ाया पार्ट फोर में। अब आप पार्ट फाइव देख रहे हैं, जिसमें से पहली हेडिंग आती है सम परासरी विलयन। सम माने समान, परासरी मतलब परासरण, अर्थात ऐसे विलयन जिनके में परासरण समान हो। परिभाषा बनती है ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा सुन ले, ऐसे दो विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। अथवा ऐसे दो विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। माना दो विलयन ए और बी हैं, जिनकी मोलर सांद्रताएं क्रमशः M1 और M2 हैं, तो उनके परासरण दाब P1 बराबर P2 होंगे, क्योंकि आपने माना M1 = M2। ठीक है ना, मोलर सांद्रता क्या होती है, N/V, अर्थात मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ये भी हो जाएगा, अब इसके लिए N1 V1 और इसके लिए हो जाएगा N2 V2। N बराबर आप जानते हैं, N बराबर क्या होता है, मोलों द्रव्यमान बटे अणुभार, इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा W1 / M1 V1 बराबर W2 / M2 V2। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको नोट कर लें, क्लियर हुआ। चलिए देखिए उसके आगे, आपने कल पढ़ा था, अगले वीडियो में पढ़ा था विलयन के अंशांक गुणधर्म, जिनमें हमने आपको चार पॉइंट लिखाए थे, जिनमें आपको परासरण दाब और उसके न्यूमेरिकल हम पढ़ा चुके हैं। नंबर दो पर आता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन मतलब होता है गिरावट या कमी होना, अवनमन मतलब किसी चीज में कमी होना। अब परिभाषा बनती है स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाने पर, यानी विलायक हमारा कैसा हो, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तो स्थिर ताप पर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाने पर उस विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है, जो गिरावट आती है, वह वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी है तथा विलयन का वाष्प दाब पीएस हो, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब वाष्प दाब में अवनमन को हम डेल्टा पी से प्रदर्शित कर सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब पी हो जाएगा माइनस विलयन का वाष्प दाब पीएस। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। आई वासन में नोट कर लें। चलिए आगे देखें, अगली हेडिंग आती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या कह रहा है, विलयन के वाष्प दाब में, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी से प्रेजेंट करते हैं, और विलायक का वाष्प दाब अभी पीछे डेल्टा वो पी था, इस तरह से हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर डेल्टा पी बटे पी हो जाएगा। अगली हेडिंग आती है राउल्ट का नियम। वाष्प दाब में अवनमन संबंधी विलयनों के लिए राउल्ट ने अपना नियम दिया था। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार और दोहराएंगे जिससे आपको नियम याद हो जाए, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है डेल्टा पी बटे पी बराबर विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, n/n ये हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है ना, यदि क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, स्मॉल n बराबर होता है w/m, कैपिटल n बराबर होता है W/N, स्मॉल n क्या है विलेय के मोल, कैपिटल n क्या है विलायक के मोल, विलेय के मोल विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, विलायक के मोल
विनायक की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है ना। और डेल्टा पी बराबर आपने पीछे निकाला था पी माइनस पी एस। अगर हम इस सारी वैल्यू को इसमें रख दें तो ये हो जाएगा पी माइनस पी एस बटे पी बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम के बटे स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, ठीक है ना। कैपिटल यदि हमारा विलयन अति तनु हो, यदि विलयन अति तनु हो तो क्या होगा, इस तरह यदि विलयन अति तनु हो, अति तनु हो तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर कैपिटल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम कैपिटल एन का प्रयोग करेंगे तो हमारा विलयन सूत्र बनता है पी माइनस पी एस बटे पी, ये वाला हो गया, बराबर स्मॉल एन बटे इसकी जगह पर कैपिटल, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया कैपिटल। अब पी माइनस पी एस बटे पी बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, स्मॉल एन का मान हो गया ये वैल्यू, कैपिटल एन का रखेंगे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी माइनस पी एस बटे पी बराबर स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम के बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमारा राउंड के नियम का फॉर्मूला बनेगा जिससे न्यूमेरिकल लगाने, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना पी माइनस पी एस बटे पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर पी क्या है, विलायक का वास्तुदाब होता है पी, पी एस क्या है, विलयन का वास्तुदाब, स्मॉल डब्ल्यू विलय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की ग्राम में मात्रा, स्मॉल एम विलय का अणुभार, कैपिटल एम विलायक का अणुभार, ठीक है ना। आगे चलते हैं राउल्ट नियम की सीमाएं, यानी राउल्ट नियम सीमा से मतलब क्या होता है, राउल्ट नियम कहां कहां पर लागू होता है और किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। तो नंबर वन सबसे पहली बात है यह नियम केवल तन विलयन पर ही लागू होता है, यानी शरबत में लागू हो सकता है, चाशनी में लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चाशनी हमारी सांद्र होती है, गाढ़ी होती है, विलयन कैसा होना चाहिए, तनु पतला होना चाहिए, केवल तन विलयन पर ही लागू होता है। नंबर दो, विलेय पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए, अर्थात विलेय पदार्थ ऐसा ना हो कि जैसे वाष्प में उड़ जाए, यानी जैसे कपूर हमारा भाप बन करके उड़ जाता है ना, ऐसे पदार्थों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पर विलेय पदार्थ कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील, जो भाप बनकर उड़ता नहीं है। नंबर तीन, वैद्युत अवघटों के विलयनों पर लागू नहीं होता। वैद्युत अवघट क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, HSO4, HCl, ये वैद्युत अवघट्य होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। अगर हम इनका विलयन बनाते हैं तो राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। नंबर चार है, विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों पर लागू नहीं होता। संगुणित का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि जम जाए या विलयन से क्रिया कर ले, कोई तीसरा पदार्थ बना देते हैं, वहां पर भी लागू नहीं होता है। आई बात समझ में, ये राउल्ट नियम की सीमा है। देखिए अगली हेडिंग है, तीसरा गुण है अंतर्संयोग गुणधर्म का, तीसरा गुण है क्वथनांक में उन्नयन, इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन अभी आपने पढ़ा था, अवनमन, अवनमन माने होता है कमी, उन्नयन माने होता है वृद्धि। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी तथा विलयन का क्वथनांक टी एस हो तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाएगा विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टी वी से प्रदर्शित करेंगे, विलयन का क्वथनांक है हमारा टी एस माइनस विलायक का क्वथनांक टी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ी सी बात नोट, नोट नंबर एक, किसी विलेय पदार्थ के
अणुभार की गणना, अणुभार की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। नंबर एक है, इसका सूत्र बनता है क्या, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम किसी भी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। आई बात सुन में, किसी भी पदार्थ के अणुभार की एम बराबर 1000 इंटू के इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। नोट नंबर दो है, यदि मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया हो तो एम बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। अभी सारे सिंबल उनका मतलब क्या है, जहां एम बराबर विलेय का अणुभार, के बराबर आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है, के वी बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, स्मॉल डब्लू विलेय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा, डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है। अब आपको क्या करना है, सारे वीडियो कंटिन्यू देखते जाएं, आप नोट्स बनाते जाएंगे, आपके सारे सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके।